जय हिंद प्यारे साथियों, आज है 1 फरवरी और आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर के 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोगों को भी पता है, तो इसलिए आप देरी न करें, करंट अफेयर की रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखना स्टार्ट कर दें और वीडियो की पीडीएफ डिस्कशन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप सभी को हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लगता है आपके एग्जाम में, स्कोरिंग पार्ट होता है। आप लोग तैयार रखेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अब देखेंगे 1 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे दोस्तों कि नरेश लालवानी ने हाल ही में किस रेलवे के नए प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों ये संभाला है मध्य रेलवे का कार्यभार संभाला है नरेश लालवानी जी ने। तो नरेश लालवानी ने हाल ही में मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा का स्थान लिया है जो मध्य रेलवे का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। यानी कि जो पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार जी थे वो पश्चिम रेलवे का और मध्य रेलवे का दोनों का कार्यभार संभाल रहे थे, तो इसलिए अब इनका स्थान लिया है। अब ये केवल एक ही संभालेंगे पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे को संभालेंगे नरेश लाल वानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा। दोस्तों तो ये करने वाला है कनाडा प्यारे साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन रूडो ने हाल ही में विश्व के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण किया जाएगा, कनाडा के अपनी राष्ट्रीय क्वांटम रणनीति भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्न में से किस मिशन के तहत भारत के 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। तो कौन सा मिशन दोस्तों है, तो वो मिशन है जल जीवन मिशन। क्या है? जल जीवन मिशन, और इसका लगभग 65% वर्क कंप्लीट भी हो चुका है एक रिपोर्ट के अनुसार। तो आज जल जीवन मिशन के तहत भारत के 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। भारत के 123 जिलों में और 1.53 लाख से ज़्यादा गांवों में हर घर जल उपलब्ध है, जिसका अर्थ है कि हर घर जल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे नंबर 4th क्या है। पेप्सिको फाउंडेशन और किसे हाल ही में भारत की सी फीड द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो किसके साथ? केयर के साथ जुड़ करके, जो कि ऑप्शन नंबर 2 प्यारे साथियों राइट आंसर है। पेप्सिको फाउंडेशन और केयर ने हाल ही में भारत में सी फीड द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, जो मुख्य रूप से छोटे पैमाने की महिला उत्पादकों पर केंद्रित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 5th नंबर कि तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का हाल ही में किस शहर में आयोजन किया गया है। दोस्तों तो इसका आयोजन हुआ है नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा, यहीं पे आयोजन हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 प्यारे साथियों राइट आंसर है। तो नागालैंड के कोहिमा में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 हाल ही में आयोजित किया गया है। तो कोहिमा के रसोमा गांव की राज्य की राजधानी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और शुद्ध जैविक संतरे की खेती यहां पर की जाती है। तो इसी संतरे की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए, किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 6th नंबर क्या है प्यारे साथियों। हिडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी फोर्ब्स की लिस्ट में 4th स्थान से खिसक कर कौन से स्थान पर
पहुंच गए हैं। तो अभी इन्हीं की रिपोर्ट आई थी जो गौतम अडानी का स्थान बताया गया था चौथा स्थान है, लेकिन नई रिपोर्ट में गौतम अडानी का स्थान अब 7वें नंबर पे हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे साथियों राइट आंसर है। भारत के सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी हिडन बिक्स रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ब्स की लिस्ट में चौथे स्थान से 7वें स्थान पर खिसक गए हैं। फिलहाल उनकी संपत्ति 22.6 अरब डॉलर कम होकर 96.6 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्न में से किस शहर में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन 13 से 17 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में, जो कि ऑप्शन नंबर डी प्यारे साथियों राइट आंसर है। तो कर्नाटक के बेंगलोर शहर में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन 13 से 17 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। यह एयर इंडिया का 14वां शो होगा। उम्मीद है कि यह एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसमें बड़ी संख्या में मित्र देशों प्रतिनिधि व सहभागी भी शामिल रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, 8 नंबर क्या है कि हाल ही में किस मंत्री केंद्रीय मंत्री ने पहली इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक लॉन्च की है दोस्तों? तो जितेंद्र सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर डी प्यारे साथियों राइट आंसर है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में पहली इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक लॉन्च की है, जिससे स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने बनाया है। नेजल वैक्सीन को भारत बायोटेक ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर के बनाया है। इसे लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किस चीज़ के मंत्री हैं ये? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखेंगे 9th नंबर कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम को हरा करके पहला अंडर-19 वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है? दोस्तों ये जीता है इंडिया टीम ने। किसने जीता है? इंडिया टीम ने। किसको हरा करके? तो इंग्लैंड की टीम को हरा करके पहला अंडर-19 वर्ल्ड कप अपने नाम इंडिया की वुमेंस टीम ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 10th नंबर है, तेलुगु फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद जे जमुना का हाल ही में निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? तो उनका निधन हुआ है 96 यानी 96 वर्ष की आयु में। तो तेलुगु फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद जे जमुना का हाल ही में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने राजा राव द्वारा चलाए गए इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन की ओर से कई मंचीय नाटकों में भी अभिनय किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है 96 वर्ष की आयु में। तो ये थे दोस्तों हमारे 1 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, डेली डेली बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, डेली डेली बेसिस पे वीडियो आएगा और साथ में मंथ एंड पे पूरे मंथ का एक साथ आपको पूरा निचोड़ दिया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि SBI फंड्स मैनेजमेंट ने हाल ही में किसे अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है? तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऑप्शन ए है अजय सिंह, बी है संदीप त्यागी, सी है विजय ठाकुर, डी है शमशेर सिंह। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट डे के करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। डेली बेसिस पर करंट अफेयर की क्लास आएगी, सबसे पहले आएगी, रात 12 बजे आएगी। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।